इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी हाँ, एमटीएस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, नेगेटिव मार्किंग की, सेक्शनल कट ऑफ और प्री में कितने कैंडिडेट्स आपके पास किए जाएंगे आपके मेंस के लिए, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बाकी हर प्लेटफॉर्म पर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखो ये जो आपको पूरा आपको कटिंग दिख रही है, ये पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन की, इसमें ये जो आपका टीयर वन है ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, मोटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एमटीएस के लिए, ये सबके लिए है। इसमें आपका दिया गया है कि भैया 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, चार सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, कॉन 20 मार्क्स का, आपका रीजनिंग 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स का, एक घंटे का पेपर रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका टीयर वन में रखी जाएगी। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि टीयर वन में सेक्शनल कट ऑफ जो आपकी है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीएल टू की, तो ये जो टीयर वन के बाद टीएल टू है आपको नीचे दिया गया है, ये जो है ये आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए। यहाँ पे जो टीएल टू है ये आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन का पूरा वो आपका दिया जाएगा, एक घंटे का पेपर रहेगा और आपका क्या होगा डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या आएगा, इंग्लिश कंप्रेंशन आएगा, वो कैप्स वगैरह आएंगे, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको प्रिसाइज लिखने को आएगा, ठीक है, लेटर वगैरह लिखने को आएगा, वो सब आपको जो है वो आपका आएगा। और एक चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रख लो, ये जो आपका टीयर वन है, ये जो आपका है, ठीक है, इसी बेस पे ही आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी बनाई जाएगी और ये जो है ये आपका टीयर टू क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो आपका 20 मार्क्स क्वालिफाइंग है, मेजर जो आपको मार्क्स लाने हैं वो आपको टीयर वन में लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। चीज़ ध्यान में रखें जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छोटे से छोटी अपडेट यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड मिलती है।